तो आप लोगों का जो तजर्बा है वो दो चीज़ें दे रहा है आपको, इल्म और माजी। हर नया तजर्बा हर नए लम्हे में माजी बनता जाता है, और हर नया तजर्बा अवेयरनेस भी देता है। सही है ना? वो आपने पता नहीं लॉयन किंग देखी है? नहीं तो वो जो सिम्बा होता है, सिम्बा जो है वो जंगलों में भाग जाता है अपने गिल्ट में कि मैंने अपने बाप को मार दिया। तो फिर वो आता है उसके पास बबून, उसको बताने के लिए कि तुम तो बादशाह हो और तुम्हारा हक है कि तुम हुकूमत करो। तो वो नहीं मान रहा होता, वो कहता है कि भाई मैंने अपने बाप को मारा है, मैं वहाँ कैसे जा सकता, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ जिसे मैं छोड़ चुका। तो वो क्या करता है, उसको कन्विंस कर रहा होता है कि उसे जाना चाहिए। वो कहता है कि जो कुछ हो चुका मैं अब उसको नहीं दोहरा सकता। तो वो क्या करता है, एकदम से उसके सर पे डंडा मारता है, डंडा मारता है। तो वो कहता है ये तुमने डंडा क्यों मारा? तो कहता है अगर मैंने डंडा मारा सो वॉट, वो माजी हो गया, अब वो माजी हो गया। तुम यही तो कह रहे हो कि जो माजी हो गया वो भूल जाने के लिए होता है, ये तुम कह रहे हो, ये तुम कह रहे हो, इसलिए मैं डंडा मैंने जो मारा था वो तो अब माजी का पार्ट हो गया ना, अब तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हो भाई। तो वो उससे सोच में पड़ जाता है सिम्बा। फिर थोड़ी देर बाद वो बात करते थे, फिर डंडा मारता है वो उसको, तो ये झुक जाता है और डंडा डंडे से बच जाता है। वो कहता है इसलिए माजी इम्पोर्टेंट होता है। दूसरी बार वो, पहली बार डंडा पड़ चुका था, दूसरी बार उसने अपने आप को बचा लिया। बोले इस माजी भूलने के लिए नहीं होता, माजी याद रखने के लिए होता है। लेकिन जो माजी में गुजर गया वो तो गुजर गया, डंडा मार भी दिया अगर मैंने तो गुजर गया ना, अब क्या हो? क्यों कर रहे, क्यों पूछ रहे हो? अब माजी गुजर गया, अब तुम क्यों पूछ रहे हो? लेकिन दूसरी बार जब डंडा मारा तो उसने अपने आप को बचा लिया। इसका मतलब ये है कि हर नया तजर्बा माजी का पार्ट तो होता है लेकिन वो आपको नॉलेज भी देता है। इसलिए इंसानों के लिए तजर्बे को महफूज करना तारीख ही है। तजर्बे को महफूज करने का दूसरा नाम है तारीख।